नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बाणगंगा निवास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। दरअसल विष्णु प्रसाद शुक्ला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। करीब 3 दशक पहले उनका बोलबाला रहा है। बताते चले कि सन 1990 में उन्होंने विधानसभा 2 से कांग्रेस के दिग्गज सुरेश सेठ से चुनाव लड़ा था, जो कि उस दौरान ये चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था। बता दें कि इस चुनाव में सुरेश सेठ ने जीत हासिल की थी, लेकिन खास बात यह है कि विष्णु प्रसाद शुक्ला से हर चुनाव में प्रत्याशी उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वहीं भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भी अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान भार्गव ने पहले उन्हें हार पहनाया और आशीर्वाद लिया। वहीं विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भी उन्हें भी हार पहनाकर श्रीफल व नेक भेंट कर मुंह मीठा किया। इस दौरान परिवार के भाजपा नेता गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे। खास बात ये भी है कि विष्णु शुक्ला भले ही भाजपा से जुड़े हों, लेकिन बेटे संजय शुक्ला को भी वह प्रचार के लिए निकलते हैं तो उन्हें भी आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। बहरहाल भार्गव ने इसके पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन व कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर उनसे मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंकूभाई पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होने सीहोर पहुंचे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, हमें उनकी हर बात को ध्यान से सुनना और समझना होगा। बच्चों के मन में कोई दुविधा ये सवाल है तो हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या का समाधान करना होगा। कई ऐसे परिवार हैं मगर बच्चे पर अपेक्षा रखते, मैं ऐसा हो गया बड़ा तो मेरे बच्चे भी मेरा ही जैसा ही होना चाहिए, ये अपेक्षा कई बार ज्यादा होती है। और बच्चे में दबाव को कभी मत डालो, उसको समझा कर बोलो। कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि आपकी अव्वल नंबर आना चाहिए, अपने पीछे रह कर नहीं चलेगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं दूंगी, ऐसा मत करो। उसको अच्छी तरह समझाओ कि बेटा आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे नंबर पे पास होना है तो रोज पढ़ना है, लिखना है और जीवन में एक क्रम बन जाना चाहिए कि जो स्कूल में पढ़ाया आकर घर में पढ़े और आगे की तैयारी करो। मैं समझता हूं कि 12वीं कक्षा का भी जो बच्चा हर दिन 2-3 घंटे पढ़ेगा तो मैं समझता हूं वो फर्स्ट क्लास आएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक कांग्रेसियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, हर दिन नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम ने ट्विटर अकाउंट के जरिए गांधी परिवार की जितनी सेवा करनी है कीजिए, लेकिन अपनी गंदी राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ को बदनाम मत कीजिए। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रदेश नहीं है, संभावनाओं का घर है, समृद्ध और अनोखी संस्कृति व विरासत है हमारी। दरअसल सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां उन्हें सोमवार को हिरासत में लिया गया था। वहीं मंगलवार को उन्हें दिल्ली पुलिस ने 1 घंटे तक सड़क पर रोक दिया था, जिसके बाद सीएम बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा था कि मैं अपने घर में इनसे पूछकर जाऊंगा, मैं अपने कार्यालय इनसे पूछकर जाऊंगा, मैं नक्सल प्रदेश से आता हूं, मुझे Z+ सुरक्षा है, मुझसे कह दिया जाता है कि सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी लेकर जाएंगे, मुझे बीच सड़क पर 1 घंटे तक रोक दिया जाता है। अशोकनगर में नगरीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने के 5वें दिन 17 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 11 से शालिनी पराशर, वार्ड क्रमांक 13 से सुमन देवी अहिरवाल, वार्ड क्रमांक 14 से रजिया बानो, वार्ड क्रमांक 15 से रेखा बाई, वहीं वार्ड क्रमांक 16 से महबूब खान, वार्ड क्रमांक 17 से आसमा, वार्ड क्रमांक 19 से सुमन कोली और वार्ड क्रमांक 21 से मुन्नी बाई आदिवासी ने अपना नामांकन पत्र सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा।
खाद की कमी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार खाद को लेकर राजनीति कर रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन खुले बाजार में खाद मिल रहा है। कांग्रेस सरकार खाद की कालाबाजारी को कम करने के बजाय बढ़ावा दे रही है। बीजेपी के 15 साल के शासन में कभी खाद की कमी नहीं हुई। प्रदेश में हम देख रहे हैं कि किसानों के खाद की जो आवश्यकता, और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकार यहाँ राजनीति कर रही है। लगातार अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन, और लगातार किसान उसमें परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार, खुले बाजार में खाद की उपलब्धता आखिर ये किस बात को दर्शित कर रही है? यूरिया, खास करके डीएपी में कालाबाजारी को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन, और हम पिछले गर्मी में भी देखे हैं, उसके पहले देखे कि लगातार ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब रुख करते हैं शाजापुर जिले की बड़ोदिया जनपद का, जहां बिना कोई मतदान कराए सरपंच की घोषणा की गई है। दरअसल बड़ोदिया क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों की जनता ने मतदान से पहले ही अपना सरपंच चुन लिया, जिसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंचों को प्रमाण पत्र देने के लिए तहसीलदार ने सरपंचों को प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन और पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर मौजूद रहे। नेशनल हेराल्ड को लेकर ईडी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसका कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेसियों ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि हमारे नेताओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई रोकनी चाहिए। दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी मांग है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय इन संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग करना बंद करे, निर्देश दे केंद्र सरकार को, ये हमारी मांग है। ढंग से ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी मांग है इन संस्थाओं में संवैधानिक स्थिति बना रहे, हमारी मांग है। खबर डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड से है, जहां बम्हनी में तालाब विस्तारीकरण के लिए स्वीकृत 9,50,000 की राशि का बंदर बांट करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तालाब में ना तो साफ सफाई की गई है और ना ही निर्माण कार्य करवाया गया। तालाब विस्तार के लिए 9.5 लाख रुपया आया था, 6 लाख मजदूरी भुगतान थी और 3,40,000 घाट निर्माण के लिए। इसमें से ये पैसों से कोई निर्माण नहीं किया गया, और सरपंच और सचिव द्वारा पूर्व राशि को अपहरण करके वो अपने भ्रष्टाचार के उपयोग इस राशि को निकाल के ये लोग अपना जेब भर लिए, सरपंच सचिव। गर्मी में पानी की समस्या होती है और हमको नहाने धोने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तालाब विस्तारीकरण के लिए 9,50,000 आए थे, जिसमें कोई काम नहीं हुआ है, न घाट निर्माण हुआ है, न कचरा साफ हुआ है, जिसमें मजदूरी भुगतान 6 लाख थी और घाट निर्माण के लिए 3,40,000 था, जिसमें कुछ नहीं बनाया गया है, 3 घाट बना के रख दिया गया है और जोड़ के उसी में पैसा निकाल गया है, पुराना जो घाट था उसमें। रायपुर जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 11 जून को राजेंद्र थाना क्षेत्र में जय बिहारी नाम के युवक की 3 लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि हत्या करने का मास्टरमाइंड फरार था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि 3रा आरोपी उड़ीसा में छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को मर्डर वेपन के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया। विगत दिन 11 जून को रात्रि में राजेंद्र थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पुराना राजेंद्र नगर में जय बिहारी नामक एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें 4 मामले के जो 3 आरोपी थे उसमें से 2 आरोपी जो है तत्काल पुलिस के हिरासत में ले लिए गए थे और जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। मुख्य आरोपी
बाबा उर्फ राजेश्याम श्रीवास्तव जो कि फरार था और जिसके संबंध में लगातार पुलिस जो है वो पता रसी कर रही थी, तो उसके बारे में ज्ञात हुआ कि वो उड़ीसा नुआपाड़ा में भेष बदल कर रह रहा है, जिस पर तत्काल टीम रवाना की गई तथा उसको हिरासत में लिया गया। पूछताछ करके उससे आला जबर जो था, जिससे जिस हथियार से कैंची से जिससे उसके द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको उसके द्वारा बरामद किया गया। शाहजहाँपुर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पेटी शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बाइक पर कुछ लोग तालाब खेड़ा क्षेत्र में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत प्लानिंग कर मौके पर पहुंची और 6 पेटी शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। लीटर अवैध रूप से ले जाई जा रही मोटरसाइकिल पर जो शराब जब्त की गई है, और रात में मुखर ने सूचना दी थी कि इस तरह से मोटरसाइकिल से लोग शराब ले जा रहे हैं। उस सूचना पर यहाँ से टीम भेजी गई थी, उप निरीक्षक अरविंद सिंह तोमर, आरक्षक शैलेंद्र सिंह गुजर और एक आरक्षक शैलेंद्र शर्मा योगा, इनको सबको जो है तस्दीक के लिए रवाना किया था। रंगे हाथ 3 आरोपियों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 52 लीटर शराब जब्त की गई है। आगरा के खैरागढ़ ब्लॉक में डेरा सच्चा सौदा के सौजन्य से ग्रामीणों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई, जिसमें लोगों को मीठा शरबत भी पिलाया गया। आपको बता दें कि रघुनाथ मंदिर के बाहर सदगुरु 13 ही आसरा के अनुयायियों ने ये नेक काम किया। आज हमारे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हमारे ब्लॉक खेरागढ़ के शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर स्पोर्ट्स इनके सेवादारों ने और साथ संगत ने आज इसी भीषण गर्मी के दौरान राहगीरों के लिए मीठे पानी की छबील का बंदोबस्त किया है और पानी पिला रहे हैं सभी से। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने जिले में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को समझाइश देकर चालान काटे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए लोगों का ऑनलाइन चालान बनाया गया। इस दौरान चालान के समय विभाग के द्वारा बरती जा रही पारदर्शिता से लोग खुश नजर आए। बुलंदशहर जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ADG ने कलेक्टर के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने और अराजकता फैलाने वाले लोगों की 112 नंबर पर जानकारी देने की बात कही। और अंसारी मार्केट जो एरिया है यहाँ का, यहाँ पे भ्रमण किया गया। यहाँ पे तमाम व्यापारीगण हैं, इन लोगों से भी वार्ता की गई, इनकी समस्या सुनी गई और साथ ही साथ जो अन्य क्षेत्रवासी हैं उनसे भी वार्ता की गई। ऐसी कोई विशेष समस्या अभी यहाँ पे संज्ञान में नहीं आई है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनता में विश्वास जगाना था और जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो भी बहुत पॉजिटिव है और जनता में विश्वास कायम रहे और कोई भी सिरफिरा कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैला करके भाईचारे को ना तोड़े। इसीलिए आज मेरठ जो पूरा जोन है उसके ADG साहब भी आए थे, मैं हूँ, SSP साहब है, पूरी टीम है। जैसा कि ट्रेडिशनली हम लोग फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलिंग में घूमते हैं, आज भी हम लोगों ने जो शहर के संवेदनशील इलाके उनका भ्रमण किया गया है और उससे ज़्यादा जरूरी था लोगों से बातचीत करना। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पानी भरने के विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बड़ा मलहरा थाना के भीमकुंड तिगड़ा में हरिदास और बाजना के मनोज के बीच पानी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान मनोज ने हरिदास पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे हरिदास गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। अब पता नहीं, मुझे ये सुनने के लिए मिला है कि पत्थर से मारा उसने, कि जान से मार दूंगा। किसने किसको मारा? तो कोरिया के लड़का मनोज ने हरिदास को जान से मारने की कोशिश की, पत्थर मारा सुन रहा। हाँ, तो फिर उसके बाद? उसके बाद में पता नहीं, ये सुन रहे थे कि लड़का पत्थर मारा तो उसने अपनी गाड़ी उठाई कि मैं अपने घर जाऊँ, मारने में चोट आ गई होगी तो वो दौड़ गया शायद, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पहुँच गया वो कहीं। ये कब की घटना है? छतरपुर जिले के थाना बाजना अंतर्गत एक प्रकरण कायम किया गया है, इसमें शासकीय
नल से पानी भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और इसमें एक जो व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें 302 का मुकदमा कायम करने के बाद जो आरोपी है तुरंत उसको अभिरक्षा में दिया गया, उससे पूछताछ की गई और झगड़ा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, पत्थर जिनसे हमला किया गया, इस घटनास्थल का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया गया है और इसमें जल्दी ही चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर रायपुर के आरन से है, जहां नेशनल हाईवे 53 के पास मंदिर के पीछे खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था जिसकी गुत्थी सुलझ गई है। बताने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव में किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले, वहीं तेज गर्मी की वजह से शव में जलने के निशान बन गए थे। एडिशनल SP कीर्तन राठौर का कहना है कि मृतक युवक घुमंतू लग रहा है जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दो दिन पहले थाना आरंग के जो बिहार खाड़ है वहाँ पे लगभग 40 से 45 वर्ष के जो पुरुष हैं और उसका अज्ञात बॉडी जो है वो मिला था और जिसके सौ पंचनामा थाना प्रभारी द्वारा जाकर घटनास्थल में निरीक्षण करके और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें जो गर्मी के कारण और उसके जो मृत्यु होना प्रथम दृष्टि बताया है और जो बॉडी है गर्मी कारण ही झुलस करके काला हो गया था और प्रथम दृष्टया भी जो PM रिपोर्ट में उसे ऐसा कोई संदिग्ध स्थिति नहीं बताया है और जो अज्ञात पुरुष है उसके संबंध में पता साजी किया जा रहा है। उसके कब्जे से कोई सामान नहीं मिला है, नहीं कोई आइडेंटिफाई वाला कोई कागजात मिला है। वो आसपास जो पता करने पर भिखारी था और घुमंतू टाइप का था, ऐसा अभी तक जानकारी मिला है। मानसून के दस्तक देते ही जिले में हो रही झमाझम बारिश ने नगर परिषद के विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। सही से ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण शहर की सड़कें गंदे पानी से लबालब भर गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ शहर के नदी नाले समय से सफाई न होने के चलते जाम हो चुके हैं। इसके बाद स्थानीय नागरिक नगर परिषद से पानी की निकासी की सही व्यवस्था की मांग करते नजर आ रहे हैं। बारिश की पहली आगाज कहलाई आज के दिन गुरुवार को, आज मानसून की पहली बारिश हुई जिसके कारण नालियों से जो कचरा रहता है पानी एकदम फुल हो गया है वहाँ से, जिससे आवागमन बहुत अवरुद्ध है और जो नालियों कचरा है वो सीधे सड़क पे आ गया है जिससे आवागमन अवरुद्ध है और नगरीय प्रशासन से और सभी प्रशासन से अनुरोध है कि नालियों की उचित व्यवस्था की जाए, पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, नालियों से जो कचरा निकलता है उससे बीमारियाँ फैलती हैं और बरसात के दिनों में गांव से अभी चुनाव का माहौल भी चल रहा है जिससे आवागमन ज़्यादा है और मार्केट भी चल रहा है सीजन के कारण। आगरा में रोडवेज बस पर भर्ती वाले युवाओं ने जमकर पथराव किया जिससे बस में लगे शीशे टूट गए। आपको बता दें कि बाहर से आगरा जा रही बदावर बाहर डिपो की बस में कंडक्टर ने किराए के पैसे मांगे थे, जिसे लेकर बस में सवार युवा भड़क गए और बस पर पथराव कर जमकर उत्पात मचाया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मेरे साथ ये हुआ कि कल मेरे यार आए थे अपनी बातचीत करने के लिए कि पुरानी भर्ती वाली क्यों नहीं हो रही, तो वो बोल रहे थे कि आपकी भर्ती में कोई प्रक्रिया नहीं है, मगर अखबार वालों ने बोल दिया, न्यूज पे आ गई। आपको क्या दिक्कत आ रही है? हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें TOD नहीं चाहिए, हमें अपना पुरानी वाली भर्ती चाहिए जिससे हम सिलेक्ट हो सके। आपने TOD में नहीं आ सकते? TOD में नहीं आ सकता क्योंकि हम अपने ओवर हो चुके हैं, 22 साल की मेरी ईयर हो गई, तो मैं TOD नहीं देख सकता क्योंकि 17.5 से 21 सरकार ने रखी है। हाँ, मैं मेरा जो फिजिकल था वो हो गया, मेडिकल था वो हो गया, इसी चक्कर में मेरे 42 बंदे मेरे प्रिय दोस्त वे शहीद हो चुके। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तस्कर अवैध रूप से सागौन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए बताया कि तस्करों ने कुछ दिन पहले 17 सागौन के पेड़ काटे थे जिन्हें वन विभाग की टीम अपने कब्जे में ले लिया है और POR करने के बाद दरियागंज नाके पर रखा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दरियागंज में लकड़ियों को ताले के अंदर रखा गया है, जिसके चलते वन विभाग की कार्रवाई शक के दायरे में आ रही है। गवासियन बीच है हमारी, गवासियन रेंज अंतर्गत, वहाँ पे करीब आज से 15-20 दिन पहले की बात है, वहाँ अवैध कटाई हुई है। कुल मिला के 17 पेड़ हुए हैं कटाई जिसकी हुई है और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो उसमें वनोपज थी वो परिवहन नहीं करा था लोग, अपराधी लोग जो थे वो हमारा 100% उसको हम लोग अपने कब्जे में कर लिया है, उसकी बुवाई कर लिया है, उसको वेरीफाई कर लिया है और उसी फूट से निकले हुए वनोपज हैं और 100% वो जब्ती हो गई है। अब
खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। वहीं खंडवा और बैतूल में अरब सागर से मानसून ने एंट्री कर ली है। इसका असर भी प्रदेश भर में दिखने लगा है। वहीं अगले दो दिनों में इंदौर फिर भोपाल में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भोपाल में सबसे ज्यादा तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में शाम को करीब 15 मिनट तक तेज बारिश के बाद कुछ देर रिमझिम बारिश भी होगी। इसके अलावा खजुराहो, नरसिंहपुर, बैतूल, नौगांव, दमोह, सतना, रीवा, मलाजखंड, ग्वालियर और गुना में भी बारिश हुई। वहीं अगले दो से तीन दिन तक सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।